आपके लिए दिखाऊंगा कि भट्टे पे ईंट पता कैसे बनाई जाती है, और उसके बारे में पता आपके लिए पता पूरी जानकारी दूंगा। चलता हूँ भाई और दिखाता हूँ आपको भाई पूरा व्यू, और भाई उसके यानी कि पूरा व्यू दिखाएगा भाई सल्लू भाई, यानी कि मिट्टी की ईंट कैसे पकती है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। चलते हैं दिखाते हैं आपको पूरा व्यू चल के, और मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि इधर साइड से ढेर सारी ईंटें लगी हुई हैं भट्टे की, और कुछ लोग हैं वो बना रहे हैं उधर साइड से बैठे हुए हैं, देखिएगा। और मैं आपको बता पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे पकती है ईंट और भट्टे से कैसे निकाली जाती है, पूरा भाई डाटा वाटा सब कुछ बताएगा। और भाई वीडियो के लिए पूरा देखना भाई, तभी आपको पता पूरा एंजॉय आएगा भाई वीडियो में देखने के लिए। और आप देख सकते हो इधर साइड से हैं यार कुछ लोग हैं कड़कती धूप में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, अच्छी मेहनत देख सकते हो। और दिखाता हूँ आपको भाई किस प्रकार से वैसे ईंट बनती है खांचे से, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये हैं हमारे भाई यानी कि किस प्रकार से ईंट बना रहे हैं, इधर साइड से हूँ यार, ये रखे हुए हैं मिट्टी के, एक भाई जे हैं जो बना रहे हैं अपने हाथ से बना रहे हैं, क्या नाम है मिट्टी के एक बेला बना रहे हैं, और इधर रख रहे हैं देखिएगा। और ये भाई बहुत जल्द फास्ट ईंट बना रहे हैं भाई, कब से बना रहा है यार ये ईंट है, कैसा लग गई, एक साल हो गई, देखिएगा भाई दोबारा दिखा रहा हूँ आपके लिए कितने फास्ट भाई, यार बड़ा फास्ट बना रहे हो यार, देख सकते हो ये पूरी ईंट है डीएम की है। आपके लिए दिखाया होगा कि किस प्रकार से भाई यानी कि कितने फास्ट यानी कि ईंट बना रहे हैं, ईंट के खांचे से बना रहे हैं, डीएम ईंट है ये यहाँ की। और यहाँ पे पता ढेर सारे भट्टे भट्टे हैं भाई, देख सकते हो भाई मेरे पीछे कितने ढेर सारे भट्टे हैं। और चलते हैं और भी दिखाते हैं आपके लिए भाई पूरा व्यू, चलते हैं यार भट्टे की ओर भाई, और धूप भी बहुत ज़्यादा कड़कती धूप पड़ रही है, और ये लोग कितनी धूप में भाई काम कर रहे हैं, मेहनत तो भाई इसे कहते हैं सच्ची में। और चलता हूँ भट्टे को दिखाता हूँ भाई आपके लिए पूरा व्यू चल के, और अभी आपके लिए दिखाएंगे कि कैसे प्रकार से यानी कि ईंट रखी जाती कच्ची वाली और कैसे ईंट निकाली जाती पक्की वाली। और अभी और पता आप देख सकते हो इतनी ढेर सारी ईंटें रखी हुई है भाई, और अभी चलेंगे हम अंदर भट्टे के और आपके लिए दिखाएंगे भाई पूरा व्यू चल के भाई, चलता सल्लू भाई दिखाते हैं आपको पूरा व्यू चल के। ये इन्होंने लगाई हुई आपने ये पूरी देखते हो आप, और यानी कि अभी होता पल्ली होता इसलिए ढक दी यहाँ पर क्योंकि होता बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो इनकी पूरी मेहनत ख़राब भी हो जाएगी, इसलिए आप देख सकते हो भाई पूरा डिप्रेशन भाई पूरा अंदर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपके लिए पूरे भट्टे का, देखिए। और भाई होता इधर साइड से होता ईंट पक चुकी है, देखिएगा ये है पूरी पकी हुई ईंट है, यानी कि भाई पता इतनी गर्माहट इधर इधर इतनी गर्मी लग रही है, और पता इधर इतनी गर्म, और पता ये ईंट इतनी गर्म है क्योंकि टच भी ना कर सकते भाई बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसी में इतनी गर्माहट निकल रही है बहुत ज़्यादा। और पता एक चीज़ और दिखाता हूँ आपके लिए, ये चीज़ देख रहा हूँ गाइस आप, ये यानी कि वो देख रहे हो हॉल देख रहे हो, इस वाले हॉल में से यानी कि कॉलर डाला जाता है ऊपर से, जो मैं दिखाऊंगा अभी ऊपर से जाके, और ये देख सकते हो बहुत ही बड़ा है, और इसमें इतनी गर्माहट निकल रही है भाई बहुत ही ज़्यादा भाई गर्माहट निकल रही है भाई, बहुत ज़्यादा फट रही है भाई मेरी, इसलिए बाहर निकलता हूँ भाई सच्ची में। और ऊपर जाके दिखाता हूँ पूरा व्यू चल के यार, सपोर्ट करना सर्विस चैनल के लिए, और ऐसे अभी व्यू भाई किसी ने नहीं दिखाया जो आपका भाई दिखा रहा है, चलते हैं दिखाते हैं अगर पूरा व्यू ऊपर से नज़ारा होगा अंदर से पूरा उसका मेरा व्यू कि कैसे ईंट निकाली जाती है, कैसे ईंट उसमें भरी जाती है आपने देखा होगा, और किस जगह से यानी कि उसमें कोला फेंका जाता है। और यार चलता हूँ ऊपर भट्टे के भाई, और चल के दिखाएंगे आपको भाई पूरा व्यू चल के भाई, चलते हैं दिखाते हैं आपको पूरा व्यू चल के, क्योंकि भाई पता है ज़्यादा ऊपर तक यार जा नहीं पाऊँगा मैं, इसलिए थोड़ा बहुत जितना चल रहा हूँ उतना तक चलूँगा और दिखाऊँगा आपके लिए भाई पूरा व्यू चल के। देख सकते हो यह है पूरा एरिया है पूरा भट्टे का, क्योंकि अभी ये बंद हो चुका है क्योंकि हम आ गए हैं दूसरे वाले भट्टे पे, और उस वाले पे गए थे तो क्या नाम है उस पर तो क्या नाम है उन्होंने थोड़ा बहुत मना कर दिया था, इसलिए हम आए हैं इस वाले पे, क्योंकि मैं ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं यहीं तक ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वैसे चालू हुई क्योंकि यहाँ पे गर्माहट बहुत है, देख सकते हो आप कितनी सारी पूरी ईंट है, और पूरा उधर साइड से कच्ची ईंट लगी हुई है जो है गड्ढा सा है जो मैंने अभी आपके लिए दिखाया था। और देख सकते हो ये रखा हुआ है पूरा यानी कि कोयला है जो यही यानी कि उसमें डाला जाता है भट्टे में, और तभी यानी कि ईंट भाई बन के तैयार होती है और अपने घर बनते हैं, इसीलिए देख सकते हो भाई। और कितना ढेर सारा कोयला है, और इधर भी है पूरा है बहुत है भाई, और देखता है ऐसा भी लगता है किसी ने भी नहीं दिखाया होगा जो भाई सल्लू भाई आपके लिए दिखा रहा है इतने बारीक से समझा रहा है भाई, इसलिए यार लाइक तो बनता है।
भाई पूरा सपोर्ट करना भाई वीडियो के लिए यार। और इधर साइड से पूरी ईंटें रखी हुई हैं भाई, पूरा भट्टा है भाई देख सकते हो। और चलता हूँ और भी आपको दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे कि ईंटें यानी कि लाते हैं उसमें रखते हैं, वो एक गाड़ी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये कि ये गाड़ी है। और पता है इस गाड़ी पर लोग यानी कि ईंट रखते हैं और यानी कि पहुँचाते भी हैं और लाते भी हैं इसी गाड़ी से, और मिट्टी भी धोते हैं। ये गाड़ी है मजदूरों की जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। और भाई सच्ची में मैं बता रहा हूँ, पता है ऐसे ब्लॉग होता था किसी ने भी नहीं दिखाया होगा जो भाई सल्लू भाई आपके लिए दिखा रहा है और भाई इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात। और भाई यार सपोर्ट करिएगा, और वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को ले लाइक करना, शेयर करना, और सल्लू बिल्सी चैनल के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई। पता बहुत ज़्यादा तकड़ी धूप पड़ रही है यार, और इतनी धूप में भाई आपका भाई पता मेहनत कर रहा है, और यार सपोर्ट करना और लाइक जरूर करना भाई, बिल्कुल कंजूसी मत करना। चलते हैं भाई घर के लिए आपके लिए, और मैंने बारीक से आपके लिए पूरा पूरा समझाया होगा, और सपोर्ट करना भाई सल्लू बिल्सी चैनल के लिए। चलते हैं घर के लिए।